जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में एक नगर निगम व 11 नगर निकाय हैं। बड़हलगंज नगर निकाय को छोड़कर सभी के मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। 1 नवम्बर से 11 नवम्बर के बीच दावा व आपत्तियां प्राप्त किया जा रहा है। नगर निकाय की मतदाता सूची का 5 वर्ष में पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि 18 वर्ष के होते हैं या बहुत से ऐसे लोग जनपद में आकर बसते हैं, इसलिए ऐसे लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर वहां पर मतदाता पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, कहाँ है आप लोग, कहाँ है ये भाग संख्या 337 ये भाग संख्या 37। अच्छा ये बताइए जी, तहसील में राजू सिंह से परिचित हैं, तहसीलदार साहब से परिचित हैं जी? ये चीज़ें नोट करा जाइए ये चीज़ सर, आप देखिए इसको दोबारा प्रिंट करके दे देंगे, ये अगर आप नोट करा देंगे तो दोबारा प्रिंट करके दे देंगे सर, ये दूसरा पेज सेट कर सही। ये कागज की बात कर रहे हैं ना जी, ये आपने दिया हुआ था, दिया हुआ था, फिर ये ना दें, दोबारा दोबारा पेपर सही हो जाएगा सर। काफी भी है जो बिलो दिए, हाँ अच्छा क्या प्रकार से दूसरा फिटिंग नहीं हो पाया, 25,000 के आसपास नहीं जुड़ा है कुछ में है सर, ऐसा वो तो जुड़ रहा है। आप अगर मैं तो पीड़ा बताऊंगा आज, ये नहीं वो आप आज 3 तारीख है ना सर, हमें लगता है कल तक हमारा बैकलॉग समाप्त हो जाए। रजिस्ट्रेशन ये दिया नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ हूं। हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर निकाय हैं, सभी की मतदाता सूची का केवल बड़हलगंज को छोड़कर के बाकी सभी की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया है। 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मेरा अनुरोध है जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों, चूँकि ये नगर निकाय की मतदाता सूची का 5 वर्ष में एक बार पुनरीक्षण किया जाता है, इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो इस दौरान 18 वर्ष के हो रहे होते हैं या नई बसावट होती है, नई मल्टी स्टोरी में लोग आकर के रह रहे होते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि अगर वो लोग बूथ पर ना भी जाना चाहें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पर चले जाएँ और वहाँ पर वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।